नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। 28 नवंबर को सिलचर के केंद्रीय कारागार में अपने गले में रस्सी डालकर एक कैदी ने आत्महत्या कर लिया। मारे गए व्यक्ति का नाम संजय दास बताया जा रहा है, जो कि ड्रग्स एडिक्शन व चोरी के मामले में जेल में कैद के रूप में रह रहा था। बृहस्पतिवार को शौचागार में गमछे के जरिए अपने गले में फांस लगाकर इस व्यक्ति ने आत्महत्या किया। इसकी उम्र 30 साल बताया जा रहा है। 30 साल उम्र के संजय दास के घर उदारपुर विधानसभा के अंतर्गत मधुरा पत्थरखान क्षेत्र में है। पिता का नाम जगदीश दास बताया जा रहा है। जिला प्रशासन की ओर से असिस्टेंट कमिश्नर अभिलाष बारामवाल व केंद्रीय कारागार के दूसरे कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में उसका शव निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में भेजा गया। ड्रग्स के कारोबार के साथ साथ ड्रग्स सेवन के कई आरोप इसके ऊपर लगे हुए थे। पूरे मामले को पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। लोग ये भी शक जता रहे हैं कि कहीं ये वारदात किसी ड्रग्स गिरोह के सरगना का तो नहीं है। बाकी नेक पे जो रिमार्क जो नेक पे मार्क होते हैं वही मिला है। स्किन बोन से एक्सेट्रा है तो स्किन इन्फेक्शन एक्सेट्रा का लगता है। तो आप ऐसे बॉडी आप जैसा कि मैंने कहा जेल के हॉस्पिटल के बॉडी जेल के हॉस्पिटल के बाथरूम में बॉडी नाम क्या है संजय दास पच्चीस तारीख का है। मतलब किस केस में अंदर हुआ था सर? ये ड्रग एडिक्ट था। एज कितना होगा? एज आपका मेरी एज तो ओके थैंक यू। रिपोर्ट आई को सामने बॉडी बॉडी ऊपर उठी जाओ দেখা যা একজন মানুষটার নাম ছিল বাবুলে দেখছে যে বাথরুমে টয়লেটের মধ্যে গামছা দেওয়া হয় তারপরে খবর দিতে ডাক্তারও আইসে দেখতে পরে এখানে ওই সময় থানার খবর দিতে ভর্তি যাওয়ার পরে আমরা তারাপুরে গেছি। তারাপুর থেকে আইসি আমার এখানে ম্যাজিস্ট্রেট আনার লাগে করেছি। আমরা ম্যাজিস্ট্রেট আইয়া থানায় থানা থেকে ম্যাজিস্ট্রেট আইয়া এখানে আইসি আওয়ার পরে ম্যাজিস্ট্রেট হ্যাঁ তার দেখে এসেছে ইনকোয়েস্ট করছে এবং সিএমএ নেওয়া যাইব সিএমএ নেওয়ার লাগে পারমিশন দিচ্ছে আমি সিএমএ নেওয়া যাই। নামটা কি আছে? নামটা হইল রঞ্জিত দাস। সঞ্জয় দাস। বয়স কত? বয়স 30 বছর। আপনার কিনা লাগে আত্মহত্যা না অবস্থা এটা তো সম্ভব নয়। আমরা তো দেখছি যে নামটা দিয়ে জুনিয়ার হয়েছে একজন আমিও আছি এটা তো সম্ভব নয়। এটা আপনার কি মনে হয় কি আমি তো যে দেখছি এরকম করবো এটা তো গামছা দেওয়া হয়নি। শরীরে কোনো জখম টখম আছে? শরীরে কোনো জখম নাই, পুরানা জখম পুরানা জখম আছে নতুন কোনো জখম পাইছি না।
পরিয়ালৰ মানুহ আহিছে, এতিয়ালৈ খবৰ দিয়া হৈছে।